आप देख रहे हैं तेज खबर 24 और वक्त है खबरों का। रीवा जिले में पंचायत राज संस्थाओं के चुनाव 3 चरणों में संपन्न होने के बाद अब अध्यक्ष उपाध्यक्ष व उपसरपंच के चुनाव होने हैं। पहले चरण में आज उपसरपंच का चुनाव हो रहा है। हनुमना, मऊगंज एवं नईगढ़ी जनपद की सभी पंचायतों में सुबह 11 बजे से निर्वाचन प्रक्रिया शुरू हो गई है। आमजन द्वारा निर्धारित वार्ड मेंबर मतदान करेंगे। जिला प्रशासन ने इसकी तैयारी कल ही पूरी कर ली थी। जिला निर्वाचन अधिकारी मनोज पुष्प ने बताया कि पंचायतों में उपसरपंच के चुनाव निष्पक्ष तरीके से कराया जाना है, उसके लिए पीठासीन अधिकारी तैनात किए गए हैं। स्थानीय स्तर पर सुरक्षा व्यवस्था भी की गई है ताकि किसी प्रकार की गड़बड़ियां ना हो पाए। SDM व जनपद CO पीठासीन अधिकारी बनाए गए पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अभियान के प्रावधानों के तहत उपसरपंच का निर्वाचन सम्पन्न कराया जा रहा है। उपसरपंच के चुनाव को लेकर पंचायतों में राजनीतिक सरगर्मी बढ़ गई है। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी मनोज पुष्प ने बताया कि जनपद पंचायत मऊगंज में 82, जनपद पंचायत हनुमना में 98, जनपद पंचायत नईगढ़ी में 74, इस तरह से कुल 254 पंचायतों के लिए उपसरपंच का चुनाव हो रहा है।